पाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी भीमराज भाटी पाली सिरोही ऑनलाइन से हुए रूबरू। उन्होंने वर्तमान विधायक बीजेपी के पाली प्रत्याशी ज्ञानचंद पारख पर आरोप लगाते हुए उन्होंने अध्यक्ष व विधायक रहते हुए पाली विधानसभा को पीछे धकेलने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व विधायक तेज तरार व बेबाक पाली से कांग्रेस प्रत्याशी भीमराज भाटी ने कहा कि पाली टेक्सटाइल की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था, परंतु इन्होंने कपड़ा उद्योग के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने मात्र चंदा उगाई के अलावा कुछ नहीं किया। पाली पूर्व विधायक कांग्रेस प्रत्याशी भीमराज भाटी ने कहा कि पाली के वर्तमान विधायक ज्ञानचंद पारख पाली में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान नहीं करवा पाए, जिससे कि पाली जिले की जनता इनसे परेशान है। पूर्व विधायक भीमराज भाटी ने कहा कि मेरी आदत काम करने की है, किसी को गोली देने की नहीं। इलेक्शन को आपको टिकट मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने आपको दायित्व इतना बड़ा सौंपा है, आपकी प्राथमिकता पाली जिले के लिए क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत जी, प्रभासरा जी, रंधावा जी, पायलट साहब, इन सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा विधानसभा का टिकट देकर मेरे को जो उपकार किया, उसके लिए मैं इन सबका आभारी हूँ। और दूसरा, इलेक्शन में 25 साल से जो यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं, 5 साल वो चेयरमैन भी रहे, उन्होंने 30 साल में पाली को पीछे धकेल दिया। पाली को आगे ले जाना तो कहीं दूर रहा, पाली को पीछे धकेल दिया। जो पाली शहर जो टेक्सटाइल की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मशहूर था, फेमस था पाली के कपड़े के लिए, उस पाली की कपड़ा उद्योग के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना चंदा उगाने के सिवाय, और कोई चंदा इकट्ठा करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। और पाली शहर को 30 साल में इतना पीछे धकेल दिया कि आज पाली की जनता तराई तराई कर रही है, पीने के पानी की ये व्यवस्था नहीं कर पाए 30 साल में, और जो विकास का जो काम है वो विकास का काम भी ठीक से नहीं करवा पाए, इसलिए पाली जिले की जनता पूरी त्रस्त है। और इस बार पाली जिले की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब इनसे किसी तरह से छुट्टी पाना है, इनसे निजात पाना है, इनको घर बिठाना है, ये पाली की जनता ने तय कर लिया है। मुझे मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, उस विश्वास के बदले में मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं वो काम करके पाली की जनता को दिखाना चाहता हूँ कि MLA क्या कर सकता है अपनी जनता के लिए। खाली गोलियाँ बांटना या पोस्टल अथॉरिटी है, MLA साहब को पता भी नहीं है कि मेरी स्थिति क्या है। MLA और MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, चीफ सेक्रेटरी 23वें नंबर पे होता है, MLA MP 21वें नंबर पे होता है। तो सर, आपके नामांकन की तारीख क्या रहेगी? अभी मैंने पता नहीं किया है, मैं मिला नहीं हूँ किसी से, मैं कल मिल के बात करूँगा कि भाई कौन सी तारीख अच्छा शुभ देना है।